किस तरीके की ये फिल्म रहेगी, क्या होगा ये फिल्म, किस कहानी क्या है? एक्चुअली ये 21 मिनट की फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम किंडल है, और हमने 4 दिन में इसकी शूटिंग की, ख़त्म की। मैं और सुशांत सिंह मुख्य किरदार में है, और नितिन शिंगल जो है उनकी पहली फिल्म है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर। एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स में क्या होता है कि कमर्शियल रिलीज़ तो नहीं होती, लेकिन फेस्टिवल्स के लिए यूजुअली बनाया जाता है। ये फिल्म भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाया गया है, और शॉर्ट फिल्म्स मेरे ख्याल में इसीलिए किया जाता है कि आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है। यूजुअली शॉर्ट फिल्म्स हैव वेरी हार्ड हिटिंग स्टोरीज़, थोड़े अलग किस्म के और सीरियस सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इस फिल्म में मेरा किरदार भी कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने इस फिल्म को करने का सोचा। ये फिल्म जैसे कि शॉर्ट फिल्म है, आपने कहा सीरियस इसके टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर, तो इस फिल्म की कहानी, जैसे कैंडिडा नाम है फिल्म का, तो क्या फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का नाम जिस पर है, किस तरीके की जी फिल्म का नाम है किंडल, और ये एक कपल की स्टोरी है, हस्बैंड एंड वाइफ, बंगाली कपल, पार्थो एंड मिष्टी। मिष्टी का किरदार मैंने किया है, पहली बार हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, बंगाली हाउसवाइफ। हस्बैंड लेक्चरर है कॉलेज में, एंड वी आल्सो हैव अ बेबी, एंड इट इज़ अबाउट कैसे आपके कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं जो प्रेजेंट में आकर आपको तंग कर सकती हैं, और इसकी वजह से आपका प्रेजेंट कभी कभी इधर से उधर हो सकता है। यू नो, इट्स अबाउट द डार्क साइड ऑफ अ ह्यूमन माइंड मोस्टली। जिस तरह से कि आपने कहा कि ये फिल्म शॉर्ट फिल्म है, तो होता है ना कभी कभी कि बड़ी फिल्मों में हम कहानी फिर भी कंप्लीट नहीं होती है, तो इतनी शॉर्ट फिल्म में 20 मिनट में आप कितना कुछ दिखा पाओगे, तो क्या लगता है आपको कि फिल्म की स्टोरी क्या पब्लिक को कितनी पसंद आएगी? बिकॉज होता है ना कि एक शॉर्ट स्टोरी है, लोग देख ली, कमर्शियल जितना उनको सपोर्ट मिलता है उतना नहीं मिलता है, उसके बाद लोग पसंद भी नहीं करते, तो क्या किस तरीके से ये स्टोरी पूरी बनाई है कि 20 मिनट की फिल्म में भी आप बहुत कुछ मैसेज दे पाओ? नहीं, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट फिल्म्स को कमर्शियल रिलीज़ नहीं मिलती है। शॉर्ट फिल्म की हर एक फेस्टिवल में एक्चुअली अलग कैटेगरी होती है, स्पेशली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, और चैलेंज ही यही होता है शॉर्ट फिल्म्स का कि एक इतने शॉर्ट स्पैन में आप एक पूरी कहानी कह पाते हैं या नहीं, और कितनी खूबसूरती से आप कह पाते हैं। और मेरे ख्याल में किंडल काफ़ी अच्छी तरह बनी है, और नितिन ने एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर हैज डन अ वेरी गुड जॉब। तो इस फिल्म का नाम किंडल रखने की क्या वजह थी? किंडल रखने मतलब मेरे ख्याल में व्हाट नितिन वांटेड टू बेसिकली शो द डार्क माइंड, राइट? इट्स अबाउट इग्नाइटिंग दिस ओल्ड थॉट्स एंड ओल्ड फायर्स, सो किंडल इज अबाउट Kindle is a flame, right? So that's what it meant. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि फिल्म आपने अभी तक कमर्शियल फिल्म्स ही बहुत की है, जो और इस अचानक से ये फिल्म करने का कैसे सोचा, आपको ऑफर आई तो आपने क्या सोचा कि 20 मिनट की ऐसी फिल्म है, ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं जी, तो क्या आपने अपनी कौन सी ऑडियंस को ध्यान में रखा, आपको लगा कि ऐसी फिल्में करनी चाहिए, या कैसे आपने सोचा? एक्चुअली जब आप शॉर्ट फिल्में करते हैं, जब मैंने करने की सोची, एक्चुअली इट वॉज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने का मौका मिला था मुझे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट फिल्म की। ऑब्वियसली यू नो कि कमर्शियल रिलीज़ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी ऑडियंस आपको किसी भी किरदार में देखे, किसी भी तरह की फिल्म में देखे, ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए कि चलो शी ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो शी हैज़ गॉन अहेड एंड हैड द गट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मुझे ये करना पसंद है। वैसे भी जितने भी एक आध फिल्में मैंने की है, हमेशा एक तरह की फिल्में मैंने नहीं की है, सो आई इट वॉज नॉट सच अ यू नो बिग लीप और जम्प फॉर मी, बट इट वॉज समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। सुशांत के साथ आपने 16 दिसंबर भी की जी, तो तब का एक्सपीरियंस, बिकॉज वो फिल्म अलग टाइप की फिल्म थी, ये फिल्म अलग टाइप की है, तो और उस फिल्म में भी ज़्यादा आपके शॉट्स आप ज़्यादा दोनों साथ में, लेकिन इस फिल्म में जितने 20 मिनट्स की फिल्म में भी आप दोनों की
पर बनी फिल्म है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, कैसे इंसान है वो एक एक्टर बतौर एक्टर एक्चुअली सुशांत और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती तभी बन गई थी 16 दिसंबर के टाइम में, और उनकी वाइफ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, जिसका रियली क्यूट डॉटर ऑल्सो हुआ है, यू नो आई हैव मेट हर कपल ऑफ टाइम्स, शी इज़ रियली स्वीट। तब से एक्चुअली 16 दिसंबर के बाद हमें ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, नो वी बीन इन टच ऑफ एंड ऑन यू नो एज फ्रेंड्स। और जब मुझे बताया गया कि इस फिल्म में सुशांत भी एक्टिंग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू नो दैट कम्फर्ट लेवल इज़ ऑलवेज देयर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स हु नोज व्हाट ही इज़ डूइंग ऑन स्क्रीन व्हेन ही इज़ एक्टिंग आउट, बहुत हेल्पफुल भी है, एंड ही ऑलवेज हेल्प्स यू व्हेन ही इज़ because he's so sorted out as an actor and I feel he's a very secure actor also. Director ki baat kare to ek debut director hai, to jab ek to film ye short film ji isme director bhi koi debut director hai, to aapne kya unhone kis tarah se aapko convince kiya is role ke liye, jab unhone narrate kiya aapko role to aapne kya unhone kis tarah se aapko bataya to aap tumhe maan gaye ki chalo mujhe film karni chahiye? मुझे उनसे एक फ़ोन कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि जॉइंट मेकर शॉर्ट फिल्म और आपके लिए एक रोल है, और तब तक आई थिंक दे ही आर नॉट इवन कास्ट द मेल लीड, और उनके प्रोडक्शन में देयर इज दिस लेडी दिस गर्ल हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु आई हैव वर्कड विद बिफोर, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं। जब मैंने स्टोरी सुना मुझे लगा कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सेड यस, और मुझे लगा कि नितिन पूरी तरह से यू नो वो निभा पाएंगे जो भी करना चाहते हैं। चार घंटे चार दिनों में आपने कहा ये फिल्म जी आपने बना दी, फिल्म पूरी हो गई, तो लाइक अभी तक तो हम लोग सुनते हैं फिल्म बनती है, छः महीने में फिल्म पूरी हो गई, फिल्म रिलीज होगी, तो चार घंटे की फिल्म, तो क्या फिल्म में एक तो 20 मिनट की फिल्म में क्या गाने रहेंगे, और क्या क्या चार घंटे में किस तरह से आपने उसे कम्प्लीट किया, चार दिनों में सॉरी कैसे कंप्लीट किया? और नहीं, 21 मिनट की फिल्म में सॉन्ग तो नहीं होगी, गाना तो होगा नहीं, लेकिन हाँ देर इज़ नाइस लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक, वेरी नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक डन बाय सम वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस एक्चुअली, और बेसिकली इट्स अ 21 मिनट फिल्म अबाउट अ कपल एंड देयर चाइल्ड, जो और इतने कम समय में मेरे ख्याल में इधर उधर की बातें करने का और गाने डालने के लिए इतना वक्त होता नहीं है, एंड इट इज़ नॉट इवन लाइक अ रोमांटिक लव स्टोरी, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ हार्ड हिटिंग रियल स्टोरी, तो जितनी रियल हो सकती है उतनी है।